बिहार के गोपालगंज और मोकामा में होने जा रहे उपचुनाव को लेकर राजद ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। मोकामा से आनंद सिंह की पत्नी नीलम देवी मैदान में उतरेंगी, तो वहीं गोपालगंज में भाजपा की कुसुम देवी के खिलाफ राजद ने मोहन प्रसाद गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है। जबकि महागठबंधन में चर्चा थी कि आरजेडी मोकामा और जेडीयू गोपालगंज लड़ेगी, लेकिन आखिर में तेजस्वी भारी पड़े दोनों सीटों पर। आरजेडी के नाम से उम्मीदवार को उतारा गया है, इससे जेडीयू के साथ साथ कांग्रेस को भी मन मसोसना पड़ा है। तो बिहार में उपचुनाव को लेकर बीते दिन ही भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी और अब महागठबंधन ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि बिहार में होने वाले गोपालगंज और मोकामा के उपचुनाव में राजद की तरफ से महागठबंधन ने अपनी उम्मीदवारी पेश की है। आपको बता दें कि गोपालगंज सीट से जेडीयू अपने उम्मीदवार को उतारना चाह रहा था, लेकिन यहां पर भी तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से जेडीयू राजद के आगे झुकता हुआ नजर आ रहा है, वहीं कांग्रेस भी इसे लेकर कुछ ज्यादा बोलने के मूड में नजर नहीं आ रही है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे अपने सहयोगी एसके राजीव के साथ। राजीव, गोपालगंज और मोकामा में उपचुनाव होने हैं और महागठबंधन की तरफ से राजद अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहा है, क्या कुछ है पूरी जानकारी? नहीं देखिए, कुछ कल देर शाम महागठबंधन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह क्लियर कर दिया गया कि गोपालगंज से भी आरजेडी जो है वो मोहन गुप्ता को अपना प्रत्याशी बनाई है और वहीं दूसरी तरफ मोकामा से जो है वो नीलम देवी आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार होंगी, जिसकी विधिवत कल घोषणा कर दी गई है। और जब कल घोषणा की जा रही थी तो उस समय जीतन राम मांझी जो हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उमेश कुशवाहा जो जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के भी वहां नेता मौजूद थे और आरजेडी के भी जो नेता वहां मौजूद थे और आरजेडी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। देखिए, दरअसल में गोपालगंज के विषय में यह कहा जा रहा था कि गोपालगंज सीट जो है वो जदयू मांग रही है और मंजीत सिंह को वहां से अपना उम्मीदवार वो बनाना चाह रही थी। मंजीत सिंह पहले भी जदयू कोटे से विधायक रह चुके हैं, लेकिन अंततः तेजस्वी यादव की ही चली और वो सीट जो है वो आरजेडी ने अपने खाते में ले लिया। जबकि जब 2020 का चुनाव हुआ था उस समय गोपालगंज सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में थी, तो कांग्रेस भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी कि महागठबंधन जो है वो सीट कांग्रेस को दे दे, लेकिन आरजेडी ने ना तो कांग्रेस को वो सीट दिया और ना ही जदयू को वो सीट दी गई। लेकिन इन सब के बावजूद कल जब देर शाम नीतीश कुमार से इस पर बातचीत हुई, सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, तेजस्वी यादव खुद वहां से अपने उम्मीदवार को उतारना चाहते थे, लिहाजा जदयू जो है वो अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। तो तरीके से आप ये कह सकते हैं कि महागठबंधन भले ही एक भीतर से एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं से जो एक अंदरूनी कलह है वो फ्लोर पर सामने आ रहा है और यही वजह है कि जो सीट कांग्रेस और जदयू के खाते में जानी चाहिए थी वो सीट आरजेडी अपने खाते में ले ली है। जी खुशबू, बिल्कुल राजीव, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर लगातार राजद जो है जेडीयू पे भारी पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उसे लेकर भाजपा भी तंज कसती हुई नजर आ रही है। नहीं देखिए, जदयू पर आरजेडी पूरी तरीके से भारी है, सरकार के कई नीतिगत जो फैसले हैं खुशबू आप देख रही होंगे कि वो भी तेजस्वी यादव के स्तर से लिए जा रहे हैं और वर्तमान में तेजस्वी यादव 6-7 विभाग के प्रभारी मंत्री हैं, जबकि नीतीश कुमार जो है उनके पास मात्र 4 विभाग हैं। तो निश्चित तौर पर अगर संख्या बल की भी आप बात करेंगी तो 80 के करीब जो विधायक हैं वो आरजेडी के साथ हैं, 43 विधायक जो हैं वो जदयू के साथ हैं। तो ऐसी स्थिति में भी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है और जदयू का आज की तारीख में आरजेडी के सामने कोई अस्तित्व नहीं है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि नीतीश कुमार को अब ये चीज पता है कि अब बीजेपी भी उनको अपने साथ आने वाले दिनों में नहीं लेगी, लिहाजा उनकी भी अब मजबूरी है और जरूरी भी है। और इसी मजबूरी और जरूरी को देखते हुए जदयू की तरफ से कोई भी दाव या पेंच जो है वो नहीं खेला जा रहा है, लेकिन भीतर ही भीतर निश्चित तौर पर पार्टी के भीतर जो वर्कर्स हैं, जो नेता हैं, वो इस बात को लेकर नाराज हैं कि लाख कोशिशों के बावजूद जो है आरजेडी गोपालगंज की सीट जदयू को नहीं दे पाई। बिल्कुल, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजीव। तो आपको बता दें कि मोकामा और गोपालगंज में उपचुनाव होने हैं, बीते दिन भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी और अब महागठबंधन ने भी अपनी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बता दें कि दोनों ही सीटों से राजद के उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे और भाजपा को टक्कर देंगे। हालांकि यहाँ आपको ये भी बता दें कि गोपालगंज की सीट पर जेडीयू अपने उम्मीदवार को उतारना चाहती थी, लेकिन एक बार फिर राजद के आगे जेडीयू की नहीं चली और राजद ने दोनों ही जगह पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। दोनों जगह पर अब राजद की तरफ से मैदान में उतरेंगे उनके उम्मीदवार।